कुछ लोग होते हैं इस दुनिया में जिनका नाम बहुत होता है और कुछ लोग होते हैं जिनका काम कमाल का होता है। मैं आपको हिंट देता हूं, फिर आप बताना कौन हो सकते हैं। उनका एक YouTube चैनल है जिसपे 35 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं और 19 करोड़ से ज्यादा व्यूज हैं। वो क्या करते हैं, एक बुक को पढ़ते हैं, जिस बुक को पढ़ने में हो सकता है आपको 4 घंटे लगे 5 घंटे लगे, उस बुक को पूरा वो पढ़ते हैं, फिर उसकी समरी बनाते हैं और शॉर्ट में 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर उस समरी को आप लोगों के साथ में शेयर करते हैं। ये बुक एग्जैक्टली। लेट्स गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर द वन एंड ओनली मुदस्सिर खान। ये कहने में मुझे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी कि ये नॉलेज का और एक्सपीरियंस का भंडार है। जिस लेवल से इन्होंने शुरू किया है और आज जिस लेवल पर ये है, स्क्रैच से शुरू किया कुछ साल पहले, 6 साल पहले आई थिंक, राइट? और आज ये जिस तरह का ये काम कर रहे हैं, जिस लेवल पे काम कर रहे हैं और लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, वो अपने आप में बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। आप बताएंगे आपकी स्टोरी क्या है, मतलब आपकी शुरुआत कैसे हुई, कब हुई, ये बुक्स में आपका इंटरेस्ट कहाँ से आया और कैसे आया? बुक्स में इंटरेस्ट बचपन से पापा की वजह से आया। पापा ने पहली बुक मुझे ला कर दी थी, एक मैजिक ट्रिक्स की बुक थी, मैं वो पढ़ता था और ड्राइंग होती थी, फोटोज भी नहीं होते थे उसमें, और वो ड्राइंग देख के मैं भी वो ट्रिक्स बनाता था, घर में बताता था, प्रैक्टिकली करते थे, प्रैक्टिकली करते थे। उसके बाद वो बुक तो खत्म हो गई, सब बना लिए, सब बता दिए पापा से, वो ला ली बुक, पापा मुझे लेके चले गए बुक शॉप पर, 3-4 बुक्स और लेके आए, तो ऐसे ये बिल्ड हुआ रीडिंग में इंटरेस्ट। फिर उसके बाद आपने और बुक्स पढ़नी शुरू करी, और बुक्स पढ़ने शुरू। फिर ये आइडिया कहाँ से आया आपके अंदर, क्योंकि आई थिंक 2016 में आपने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया था ये बुक के नाम से। हाँ। तो ये आइडिया कहाँ से आया आपके अंदर, कहाँ से आया कि मैं ये समरी बनाऊं और ये जो करूं? मैं फंसा हुआ था असल में, 2003-04 की बात है, हम लोगों ने एक बिजनेस शुरू किया था, न्यूज़ एजेंसी। तो न्यूज़ देखिए, कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं दुनिया में जो कभी बंद नहीं होते, न्यूज़ चैनल्स हैं, न्यूज़ एजेंसीज हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, कभी भी बंद नहीं होते, 365 डेज इसमें काम होता है। पापा 18 दिन तक वेंटिलेटर पे थे हॉस्पिटल में, उस दिन तब भी पूरे 18 दिन मैं काम ही कर रहा था, उनकी डेथ हो गई तब भी मैं काम कर रहा था। उसके बाद एक मैंने न्यूज़पेपर में ऐड देखा, एक बुक फेयर लगा हुआ था, मैं चले गया, किलो से बुक्स मिल रही थी वहाँ, किलो के भाव से मिलती थी किलो से बुक, ये मैंने पहली बार सुना है, ऐसी भी कोई बुक फेयर होती है? हाँ, एक बुक फेयर थी किलो से, एक रद्दी जैसा था वो, किलो से बुक्स, तो आप बेच भी सकते हैं, खरीद भी सकते हैं। हाँ, तो और मैं कलर ब्लाइंड हूँ, पीले कलर की एक बुक, मुझे कवर अच्छा लगा यार, येलो कलर, मैं कलर ब्लाइंड, तो वो बुक थी यूज़ व्हाट यू हैव गॉट, बारबरा कॉर्करन उसके ऑथर हैं। तो बारबरा भी यही प्रॉब्लम फेस कर रही थी जब उन्होंने बिजनेस शुरू किया था, कि वो अपना काम डेलीगेट नहीं कर पा रही थी। तो वो लिखती हैं कि देखिए, आप कभी भी अपने जैसा 100% ढूंढने जाओगे, नहीं मिलेगा कोई भी, आप जितना कर रहे हो, आपके 80% भी कोई कर रहा हो, वो काम उसे दे दो। यहाँ से मेरे ताले खुल गए दिमाग के, तब मैंने सोचा अब बुक्स का नॉलेज शेयर करेंगे, बुक्स में इतना पावर है, कोई एक बुक का एक आइडिया आपकी ज़िंदगी कम्प्लीटली बदल सकता है। तो मैं वहाँ से निकला, तो मैं यहाँ पहुँचा हूँ अभी, तो आगे बहुत आगे जाने वाले हैं। Let's give big hand for him. ये छोटी चीज नहीं है, ये पहली बार एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आए हैं और यहाँ पर आकर के बोल रहे हैं, इसके लिए बहुत करेज चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले भी ये कॉन्शियस हो रहे थे, तो मोनिका जी जो है हमारी, उनका मेरे पास में फ़ोन आया कि सर ये थोड़ा सा हो रहे हैं, तो मैंने फ़ोन पे भी इनसे बात करी और मैंने एग्जैक्ट जो वर्ड्स बोले थे इनको, वो मैं रिपीट कर देता हूँ यहाँ पे आप सबके सामने। आपका एक भाई है जिसके साथ में आप बैठ रहे हो और बात करने वाले हो, भूल जाओगे यहाँ पे कोई ऑडियंस है, और जो ऑडियंस है वो भी सब भाई बहने हैं। अगर आपको बहने बोलने में कोई दिक्कत ना हो, कोई दिक्कत नहीं। 5 साल पहले जब मुझे कोई जानता नहीं था, अभी भी कोई नहीं जानता, अब जानेंगे, अब जानेंगे इस वीडियो के बाद में, अब सब जानेंगे। 5 साल पहले कुछ 3,000 सब्सक्राइबर्स थे, तब मैंने आपके शो पर ऑडियंस में आने के लिए अप्लाई किया था, तो आपने ऑडियंस में तो नहीं बुलाया, गेस्ट में बुलाया। तो मुझे लगता है कि आने वाले कुछ महीनों में या सालों में इनमें से भी कई लोग आपके सामने यहाँ बैठे होंगे। 100% सच सच बताना, अंदर तक किसको लग रहा है कि आने वाले 5 साल बाद वो इंसान यहां पर बैठा होगा या बैठी होगी? और कोई बड़ी बात नहीं है कि आपका वो लेवल आ जाए
कि आप यहाँ पर बैठ करके मुझे कहो चल जा करके वहां बैठ। मैं बताता हूँ तुझे आसान है क्या होता है, आसान है करता रहता है। अब ऑडियंस की बारी। सर जैसे कि आपको बुक्स रीड करने का बहुत शौक है सर, मुझे भी बहुत है, बट सर जो मोटिवेशनल बुक्स होती हैं जिसमें कोट्स बहुत सारे होते हैं, तो उसको रियल लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए जिससे कि हम मोटिवेट रहें। देखो बाहर से आने वाली मोटिवेशन टिकती नहीं है जब तक मोटिवेशन अंदर से ना आए। अंदर से मोटिवेटेड रहने के लिए जो आपके गोल्स हैं उन्हें छोटे छोटे पार्ट्स में बांट लो, और छोटे छोटे गोल्स अब जब पूरे करते जाओगे ना आप खुद मोटिवेटेड फील करोगे। मैं क्यों बैड एक बुक है उसमें ऑथर बता रहे हैं सबसे पहले सुबह उठकर अपना बिस्तर ठीक करो, इट विल गेट यू मोटिवेटेड फॉर द डे। और दिन ख़राब भी गया था आपको घर आकर रात में बिस्तर तो अच्छा मिल रहा है सोने। थैंक यू सो मच सर, मोस्ट वेलकम इनवाइट करने के लिए, और मैं बहुत खुश हूँ, मुझे रात में नींद नहीं आई आपसे मिलने के लिए, मैं इतना एक्साइटेड था। सर मेरा क्वेश्चन आप दोनों से ही है कि सर्वाइवल तो सभी कर रहे हैं, बट एक बार जब सक्सेस मिल जाती है और सक्सेस की हाईएस्ट पीक पे पहुंचने के बाद डाउन टू अर्थ कैसे रहना है, उसका क्या सीक्रेट है? आप ये सवाल पूछ रहे हो, टॉन्ट मार रहे हो? नहीं सर, सर, सर। मैंने देखा है सर बहुत लोग सक्सेस मिलने के बाद ना कितना समझ आया मैंने क्या कहा है, पैसा सर पे चढ़ जाता है लोगों के सक्सेस मिलने के बाद। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो सर आप बिल्कुल सही कह रहे हो मेरे बारे में। नहीं सर, एक ना एक दिन तो सभी सक्सेसफुल हो ही जाएंगे अगर सर को फॉलो करेंगे, बट मैं ये जानना चाहता हूँ कि सक्सेस किसी भी फॉर्म में अगर मिलती है तो उस पर्टिकुलर जो सक्सेस मिली, जैसे किसी को नॉलेज बहुत हो जाए तो उसको नॉलेज का घमंड ना आ जाए, तो उसके लिए भी वो डाउन टू अर्थ कैसे है? आप एक काम करो ना, आपके हाथ में माइक है तो सीधा ही मार दो। नहीं, मार दो मुझे सर, आपके लिए नहीं है सर। घमंड नहीं दिखता है, गुस्सा दिखता है, और गुस्से के पीछे जरूरी नहीं है घमंड हो सकता है कोई वजह हो जो किसी को पता ना हो और दूर से दुनिया देख करके कह रही है उसमें बहुत घमंड आ गया है। जैसे कोई आदमी है वो किसी से बात नहीं करता अपनी कॉलोनी में, लोग क्या कह रहे हैं वो बहुत घमंडी है, उसको सक्सेस मिल गई है तो उसमें बहुत घमंड आ गया। अरे घमंड नहीं आया, वो इंट्रोवर्ट है, वो किसी से बात नहीं करता है, कोई इंसान है उसको कभी गुस्सा नहीं आता है, एक बार उसको गुस्सा आ गया तो पूरी दुनिया क्या कह रही है वो घमंडी है। गुस्से में और घमंड में बड़ा फर्क है। जैसे पहले के ज़माने में आपने कहानियां सुनी होगी, ऋषि मुनि होते थे, अपनी तपस्या कर रहे हैं, शांति से बैठे हैं, अपना काम कर रहे हैं, कोई आया उनकी तपस्या भंग करके चला गया तो उन्होंने उसको श्राप दे दिया, तो उनको गुस्सा आया ना, तो क्या वो घमंडी है? बहुत थिन लाइन है जिसको हम समझ नहीं पाते, बहुत ही थिन लाइन है जिसको हम समझ नहीं पाते हैं। और उसको समझना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि उसमें इतने सारे फैक्ट्स इन्वॉल्व हैं जिसमें से 99% फैक्ट्स तो सामने वाले को पता ही नहीं होते हैं, यानी आपके पड़ोसी के बारे में 99% बातें हैं जो आपको पता ही नहीं है और आप 1% के बेस पे उसको जज कर रहे हो। मतलब कि अपना ध्यान अपने काम पर रखो और दुनिया का जो काम है वो उन पे छोड़ दो। दुनिया का काम है आपके काम में कमियां निकालना, करेक्ट। आपका काम है अपने काम को अच्छे से करना, करेक्ट। तो आप अपना काम करो, दुनिया को उनका काम करने दो। और जैसे आपने बताया शुरू में कि अगर कोई ज्यादा बात नहीं करता किसी से तो जरूरी नहीं घमंडी हो, इंट्रोवर्ट हो सकता है। मैं भी इंट्रोवर्ट हूँ और मुझे भी अभी रिसेंटली पता चला है कई लोग घमंडी बोलते हैं। ध्यान से समझना, यहाँ पे एक बहुत बड़ा पॉइंट है, जो लोग इनको घमंडी बोलते हैं और घमंडी समझते हैं, क्या मनी मन उनको इनके ऊपर गुस्सा नहीं आएगा, इनसे जेलसी नहीं होगी, उनको बदला लेने की भावना नहीं आएगी इनकी तरफ उनके मन में, जबकि इनके मन में उनके लिए कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है, बट उनके मन में आ चुकी है। अब उसका क्या इलाज है? ये दुनिया ऐसी ही है, तो दुनिया को दुनिया के हाल पे छोड़ दो। एक्चुअली मेरे पास क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं पर सर आए हैं तो मैं चाहती हूँ आज सर से क्वेश्चन कर लूँ। मेरे को भी काफ़ी शौक है बुक्स पढ़ने का और मैं रेगुलर पढ़ती हूँ, बट प्रॉब्लम ये आ जाती है कि जब ज़्यादा बुक्स पढ़ते हैं तो वो बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आ जाती है, तो कन्फ्यूज़न हो जाता है कि क्या चीज़ पकड़ के रखें क्या छोड़ दें। पढ़ करके हम कन्फ्यूज़ हो गए कि ये सही है वो सही है, हाँ, या वो बुक इसी टॉपिक के बारे में ये कह रही है और दूसरी बुक कुछ और कह रही है। फिर हम सर के वीडियोस देखते हैं तो वो तो बिल्कुल ही अच्छे होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो सर को भी कमेंट्स आते हैं, सर पहले आप ऐसा बोलते थे अब ऐसा बोलते हो, हाँ राइट। मेरे को भी ये कमेंट्स आते हैं आपका, वही तो ना, पहले आप कुछ अलग बोलते थे और अभी ऐसा नहीं कि कुछ गलत बोलते थे। नहीं, आप भी बोल लो, कोई बात नहीं, मैं तो हुई पंचिंग बैग, जो आपका जो लेवल है ना, पंचिंग बैग
जो आएगा मार करके चला जाएगा, मारो मारो मुझे, मारो। बिल्कुल नहीं, मैं पॉजिटिव में बोल रही हूँ, आपकी वीडियोस में भी फर्क तो आया ही है ना सर पहले। आप मेरी तारीफ कर रहे हो, बुराई कर रहे हो? सर मैं तारीफ कर रही हूँ, आप बहुत अच्छे वे में, मतलब अब तो लेवल हाई हो गया। पता नहीं लगता आजकल कौन क्या कर रहा है, पूछना पड़ता है। हाँ देखिए, किसी भी बुक के बात को ब्लाइंडली बिलीव तो नहीं करना चाहिए, आपके पास एक दिमाग है तो अपना दिमाग भी चलाना चाहिए। और मैं तो ये मानता हूँ ज़्यादा बहुत सारे सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एक बुक है थिंक एंड ग्रो रिच, और मुझे ऐसा लगता है कि वो सभी सेल्फ हेल्प बुक्स की मदर है, बाप है। इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल सक्सेस, अगर फाइनेंशियली आपको सक्सीड होना है तो सेल्फ हेल्प बुक्स जितनी भी हैं, आई एग्री। हाँ उसके बाद जितनी भी सेल्फ हेल्प बुक्स आई हैं, चाहे वो पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड हो और भी जितनी, वो सब ऐसा लगता है कि थिंक एंड ग्रो रिच को देखकर ही लिखी गई है। दैट्स अ टेम्पलेट एक तरह से थिंक एंड ग्रो रिच। और इस बुक का मेरी लाइफ पे भी बहुत बड़ा असर हुआ था। देयर वाज अ पॉइंट जहां पर मैंने पिवट किया था, यानी मैं एक पॉइंट पे स्टक था, तो इस बुक ने मुझे एक नया पर्सपेक्टिव दिया था जहां से मेरे करियर में एक मेजर शिफ्ट आया था। आप बताइए क्या करें कन्फ्यूजन हो जाए ऐसा? तो अगर कन्फ्यूजन हो जाए कि एक इंसान कुछ बोल रहा है दूसरा इंसान कुछ बोल रहा है, या फिर एक बुक कुछ बोल रही है दूसरी बुक कुछ और बोल रही है, तो आप पहले उसके स्टैंड पॉइंट को समझने की कोशिश करिए। कोई भी चीज़ ब्लैक एंड वाइट नहीं होती है कि आप कह दोगे ये ब्लैक है ये वाइट है, ये सही है ये गलत है, ऐसे नहीं होता है। दोनों अपने अपने स्टैंड पॉइंट से सही है, तो आपको दोनों के स्टैंड पॉइंट को समझना पड़ेगा। हो सकता है एक ही बुक एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में एक पर्टिकुलर स्टैंड पॉइंट से कह रही है, और वही बुक उसी टॉपिक के बारे में किसी और स्टैंड पॉइंट से बिल्कुल ही अपोजिट बात कह रही है। हो सकता है अभी आप मेरे से एक क्वेश्चन पूछो उसका मैं आपको कुछ और जवाब दूं, बेस्ड अपॉन आपका बैकग्राउंड क्या है, आपकी प्रॉब्लम क्या है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा ना। दूसरी तरफ से कोई और इंसान होगा जो सेम क्वेश्चन पूछेगा या पूछेगी, लेकिन उसका जो बैकग्राउंड है उसको मैं समझ करके हो सकता है उसको बिल्कुल ही एक अलग जवाब दूंगा। तो क्लियर कट आंसर कभी भी नहीं होता है। राइट मुझे किसी का मैसेज आया था कि सर एक लड़की मुझे बहुत पसंद है, मुझे उससे ही शादी करना है, लेकिन घर वाले मानेंगे नहीं। ये जवाब उस लड़के के उम्र और बैकग्राउंड देखे बिना नहीं दे सकते। पता चला वो 15 साल का ही लड़का था। मतलब यार पढ़ाई पे ध्यान दे, करियर बना ले लड़कियां। उसको बोलो घर वाले नहीं, सरकार भी नहीं मानेगी। कोई नहीं मानेगा। और वही कोई थोड़ा ज्यादा एज का होता उसके लिए अलग जवाब होता, तो उसके लिए अलग जवाब होता। हाँ। इससे पहले कि ऑडियंस में से कोई आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा है। हाँ। आज आपने काफी कुछ अचीव कर लिया है, तो आप थोड़ा सा बताइए अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में, और फिर आप बताइए कि आपके लिए आज की डेट में जो ये सक्सेस है, पैसा है, इस सबका क्या मतलब है? एजुकेशन 8th तक मैंने पढ़ा है, उसके बाद मैं इन लोगों ने आसानी से मान भी लिया, कोई मानता ही नहीं है किसी को बताओ तो। नहीं नहीं आप झूठ बोल रहे हो, नहीं 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 लगते तो नहीं हो। इससे पता लगता है कि ये फर्क नहीं पड़ता कि आपका बैकग्राउंड क्या है, ये फर्क पड़ता है कि आपकी विजन क्या है, कि आप जाना कहाँ चाहते हो, आप कहाँ से आ रहे हो, वो मैटर करता है, लेकिन इतना नहीं करता है जितना कि आप कहाँ जाना चाहते हो। पापा ने सेल्फ लर्निंग पर ही फोकस करवाया पूरा, सेल्फ एजुकेशन सीखो, लोग कैसे बात करते हैं, KBC ये एंटरटेनमेंट के लिए मत देखो, बच्चन साहब कैसे बात करते हैं सीखो। बुक्स ला के दी थी उन्होंने, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। मुझे एक आदत हो गई थी, मैं बैठे बैठे से नाखून तोड़ने लग गया, 15-16 साल का था, पापा के सामने मैं कर रहा था। तो पापा ने बोला यार तुझे बड़ा हो गया, बड़े बड़े इंटरव्यूज देने, लोगों उसके इंटरव्यूज लेने, और तू ऐसा करेगा? रुको साहब ये, हाँ बोलो। तो बॉडी लैंग्वेज पर फिर उन्होंने बुक ला के दी, एलन पीस की एक काफ़ी अच्छी बुक है बॉडी लैंग्वेज, तो वो बताते थे ऐसा ऐसे हाथ रख के किसी से बात नहीं करना, ऐसा मैसेज जाता है कि आप उससे एग्री नहीं करते हो। तो सेल्फ लर्निंग पूरा पापा की साइड से। कोई नया वीडियो गेम लिया या कोई गैजेट आया घर में तो कहते थे नहीं पहले यूज़र मैनुअल पढ़ो। मैं बोलता था अरे पापा सिंपल है, ये पिन यहाँ लगाओ, ये लगाओ, ये चालू करो, हो गया। नहीं पहले यूज़र मैनुअल पढ़ो, गया पढ़ो देखो फिर करो। तो आपके फादर का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल कुछ हो उसमें। यस। और पैसे की बात जो आप कर रहे हैं, पैसा और सक्सेस आज की ये पैसा मैं मानता हूँ, पैसा इज लाइक अ टूल, जैसे स्क्रू ड्राइवर है। जैसे आपने वो देखी एक विलन फिल्म, उसमें रितेश देशमुख स्क्रू ड्राइवर से मर्डर करता है, तो स्क्रू ड्राइवर अच्छा था या बुरा था उसमें? स्क्रू ड्राइवर बुरा कैसे हो सकता है? यूज करने वाला बुरा था। जब पैसा आता है तो जो आप हो असल में आपको वही रूप बाहर आता है। पैसा ना अच्छा है ना बुरा है, पैसा जहाँ काम करता है बहुत अच्छा काम करता है, बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं,
तो इट्स अ टूल, ट्रीट इट एज अ टूल, सिर्फ ये सिर पे मत चढ़ने दो, आप जो पूछ रहे थे सिर पे चढ़ जाते हैं, पैसों का आप टूल की तरह देखोगे। बहुत अच्छी बात बोली है, लेट्स गेट बिग आंसर। हेलो, अच्छा ओके, लिप रीड करेंगे ओके। मैं आपके ताकि बनना चाहती हूँ क्योंकि मैं जो भाई मतलब मेरा प्रॉब्लम है, मैं सुन नहीं सकती, इसकी वजह से मैं अपने आप को कमजोर ना मानती हूँ। मैं आप अकेला रहती हूँ, अकेला जा रही हूँ, पर फिर अभी अपनी लाइफ इंजॉय कर रही हूँ, और जो आपके साथ साथ बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, मेरे लाइफ कॉम्प्लिकेट हो जाए बहुत ज़्यादा, तो मुझे समझ में अंदर से टूट चुकी हूँ, मैं अकेला रह रही हूँ, प्रॉब्लम है, कमजोर नहीं हूँ, लाइफ जी रही हूँ काटर, पर अंदर से है गोल अचीव करने का हुनर टूट चुका है, तो कैसे कर सकती हूँ मैम? मैं धीरे धीरे बोलूँगा ताकि आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं। हिम्मत रखिए, ऐसे लोगों की कहानियाँ पढ़िए जो बिल्कुल उसी सिचुएशन में थे जिस सिचुएशन में अभी आप हैं। प्रॉब्लम है कोई बात नहीं, वहाँ से ध्यान हटाइए, जो आपके अंदर अच्छा है, यूनिक है। जब भगवान कुछ हमसे लेता है तो कुछ देता भी है, वो कई बार दिखता नहीं है, जब भी दिखेगा तो उस पर फोकस करिए और लाइफ में आगे बढ़िए, आप बहुत आगे जाएंगे, बहुत कुछ अच्छा करेंगे। मुझे पूछना है मोटिवेशन के ऊपर, मैं बहुत ही इमोशनल पर्सन हूँ, मैं अपने डियर वंस को लेकर बहुत जल्दी घबरा जाती हूँ, अभी तक ये फीलिंग मुझे अभी मैं शिवर कर रही हूँ पूछते हुए जो मैं आपसे पूछने वाली हूँ। आई एम सॉरी, मैं आपको रिमाइंड करा रही हूँ, जब आपके फादर वेंटिलेटर पे थे, आई नो कि वो टाइम बहुत स्ट्रगलिंग रहा होगा आपके लिए, आप शायद कुछ अचीव भी करना चाह रहे होंगे, तो क्या आप मुझे प्लीज़ थोड़ा इंस्पायर करेंगे, आपने कैसे उस टाइम को डील किया, कैसे मोटिवेशन हुई उस टाइम? मैंने कैसे डील किया, टूट जाता है इंसान, डील क्या करेगा उससे, इट टेक्स टाइम टू रिकवर, और रिकवर जिंदगी भर नहीं हो सकते, आप हमेशा कमी लगेगी। क्या आपने भी किसी अपने को खोया है? सर ऐसा हुआ नहीं, बट मैं डरती हूँ। डरते हो कि ऐसा हो गया तो? हाँ सर। एक तो ये आपको एक दिमाग में बात बिठा के रखनी चाहिए कि कोई भी आपके साथ हमेशा रहने वाला नहीं है, आप रिमाइंड कराते रहना चाहिए, हर चीज़ टेम्प्ररी है, आप भी, मैं भी, हमारी फैमिलीज भी, हर रिश्ता टेम्प्ररी है, तो ये आप खुद को रिमाइंड कराते रहना चाहिए। गुड मॉर्निंग सर, पहले गुड मॉर्निंग जी। जोश होता है कि नहीं यार किताब पढ़ लूँगा, एक दो किताब, एक दो लाइन पढ़ता हूँ, एक दो टॉपिक, थोड़ा दो चार पांच पेज पढ़ता हूँ, फिर एक दो दिन के बाद फिर ठंडा हो जाता हूँ। इनको ना थोड़ा सा गर्म कर दो आप। मैंने कुछ गलत नहीं बोला, आप लोगों का दिमाग गंदा है, अश्लील लोग, उन्होंने बोला वो ठंडे हैं, मैंने कहा उनको गर्म कर दो बस। कैसे करना है, क्या करना है, वो इन दोनों के बीच की बात है, मैं कौन होता हूँ बीच में कुछ बोलने वाला। हाँ। चार पांच दिन के बाद जब फिर पढ़ना शुरू करता हूँ तो लगता है यार पीछे वाला तो आप तब... कैसे पढ़ते हो, बेड पर पढ़ते हो? बेड पे भी पढ़ता हूँ। नहीं, बेड पर पढ़ना छोड़ दो, टेबल चाहिए, चेयर चाहिए, अब माहौल होना चाहिए पढ़ने का, बेड पर पढ़ोगे नींद आ जाएगी, क्या पढ़ पाओगे? दो चार दिन पाँच दिन करता हूँ, पर फिर जाके फिर वो देखो आपके पास पर्पस होना चाहिए, वो किताब आप क्यों पढ़ रहे हो, वो कह रहे हैं पर्पस क्या है आपका वो बुक पढ़ने का, जो भी बुक आप पढ़ रहे हो पहले तो किस टाइप की बुक पढ़ रहे हो जो आप ठंडे हो रहे हो? तो ऐसी बुक पढ़ो ना थोड़े गर्म हो जाओ। मैं एक इंसान की प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल रहा हूँ हंसते खेलते, मतलब आप उसका कुछ और ही मतलब निकाल रहे हो, क्या मतलब, मतलब किस तरह की बुक पढ़ रहे हो, उसका पर्पस क्या है? सर थिंक एंड ग्रो रिच ये भी पढ़ रहा है एक साथ ही ना, ये भी हो जाती है कि एक साथ ना दो बुक ले लेता हूँ, जैसे थिंक एंड ग्रो रिच और एक दूसरी बुक कौन सी है? गुड डैड बैड डैड जो है ये वाली, रिच डैड पुअर डैड की आप बात कर रहे हैं? सॉरी रिच डैड पुअर डैड, क्या पता हो मस्ती होती है। तो अच्छा, तो आप अभी पढ़ रहे हो थिंक एंड ग्रो रिच? हाँ सर। तो अमीर क्यों होना चाहते हो भाई साहब, क्या करोगे अमीर होकर के? अमीर तो सर सब होना चाहता है। अमीर बनने का भी इतना कीड़ा नहीं है ना अंदर? कीड़ा तो सर बहुत है। कीड़ा थोड़ा ठंडा है। कीड़े को गर्म करो। आपको कुछ कहना है इनको? मतलब वो एक कीड़ा ठंडा है। हाँ, कभी कभी हाँ। हाँ।
आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट है, आप कितनी दूर से आए हमारे लिए यहाँ पर अपना टाइम निकाल करके। सर आपने पहले ही कितना, हाँ मैं औरंगाबाद से। थैंक यू सो मच, इट मीन्स अ लॉट टू मी एंड माय एंटायर टीम। ये हमारी पूरी टीम की तरफ से, हमारी पूरी फैमिली की तरफ से आपके लिए छोटा सा गिफ्ट है।